गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हमने पढ़ लिया था अर्थ के बारे में, द ब्लू प्लैनेट, और वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को, ठीक है ना। वाटरी बिकॉज 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है। पेज नंबर 190 पे खोलिए, एस ए टी ई डबल एल आई टी ई एस, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब हेवनली बॉडीज, जो कि हमें आसमान में दिखाई देती हैं। तो सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट। प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारे सन के चारों तरफ घूमते हैं, और जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। सैटेलाइट नेचुरली अकरिंग भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है मून। नेचुरल सैटेलाइट हमारी अर्थ के पास एक है, मून। इसी तरीके से और भी प्लैनेट्स हैं जिनके पास, किसी के पास दो मून है, किसी के पास और भी हैं। तो अलग अलग प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो भी हैं, और हमारी अर्थ के पास कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो हम ह्यूमन मेड बनाई जाती हैं, ठीक है। तो दे कैन बी नेचुरल और मैन मेड। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट्स जो होती है उनके पास भी खुद की लाइट नहीं होती है। हमने पढ़ा था ना कि मून डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट, प्लैनेट्स टू। हमारे ना तो हमारी अर्थ के पास खुद की कोई लाइट है, क्योंकि प्लैनेट्स के पास भी खुद की लाइट नहीं होती है, और ना सैटेलाइट के पास होती है, सिर्फ स्टार्स के पास होती है। तो सन इज़ अ स्टार, और सन जो होता है उसी की सब रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मून और अर्थ दोनों ही, सारे प्लैनेट्स अर्थ हैं और सारे बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो, और मून या और जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो सबकी सब किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज सन इज़ अ स्टार एंड स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब ये कह रहे हैं कि ऑल द नेचुरल सैटेलाइट रोटेट ऑन देयर एक्सिस बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द होस्ट प्लैनेट। वही जैसे प्लैनेट के साथ है वैसे ही सैटेलाइट है। प्लैनेट भी क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन खुद की भी एक्सिस पर वो घूमते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सैटेलाइट है, सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन खुद की एक्सिस पे भी घूमते हैं। ओके, कम से कम 100 सैटेलाइट नोन हैं अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैनमेड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो मैनमेड सैटेलाइट्स होती हैं, और ये किस लिए यूज़ होती हैं आपको पता है ना, ये वेदर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तो इसके बारे में ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है, कि एक्चुअली कैसे जो सैटेलाइट होती हैं वो कैसे काम करती हैं, है ना, वो हम कैसे उनको यूज़ करते हैं, क्यों बनाते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। तो ये सब तो आप बड़े होकर पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि सैटेलाइट क्या होती हैं। तो सैटेलाइट क्या होती हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, ठीक है। जैसे कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसी तरीके से कुछ आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड सैटेलाइट्स भी होती हैं जिसको कि इंसान ने बनाया होता है। अब इंसान क्यों सैटेलाइट बनाता है, वो सैटेलाइट कैसे काम करती हैं, वो सब आप बड़े होकर पढ़ोगे। वो सैटेलाइट हमें किस किस काम में आती हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, जो न्यूज़ व्यूज़ होती है ना, वो सब सैटेलाइट से यूज़ होता है, उसमें मतलब सैटेलाइट की यूज़ से चलती हैं वो, ठीक है। अब कैसे वैसे वो अपन बाद में देखेंगे। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो सैटेलाइट होती है उसके पास भी खुद की लाइट नहीं होती है, वो भी सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं मून पर। तो मून क्या है, ये भी तो एक सैटेलाइट ही है। तो सैटेलाइट जो के बाद हम क्या देखते हैं, मून। सैटेलाइट दो तरीके की हो सकती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक, अब मून क्या है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। जिन प्लैनेट्स के ऊपर दो दो मून दिखते होंगे उनको कैसा लगता होगा, अजीब सा दिखता होगा। अपन तो चांद की पूजा करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। द मून इज़ अ हेवनली बॉडी एंड अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। हेवनली बॉडी बोलो चाहे सेलेस्टियल बॉडी बोलो, एक ही बात है ना। तो ये कह रहे हैं कि मून एक हेवनली बॉडी है जो कि अर्थ की सैटेलाइट है। ये धरती से 384,400 किलोमीटर दूर है। 3 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर, मतलब लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर। द मून टेक्स 27 डेज एंड 8 आवर्स टू कम्प्लीट 1 रिवॉल्यूशन।
अब जो मून होता है उसको एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, 27 days और 8 घंटे अराउंड द अर्थ, तब वो अर्थ की पूरी एक राउंड लगा पाता है। इट टेक्स द सेम टाइम टू कम्प्लीट ऑन द एक्सिस स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि वो जब खुद भी, जब वो अपन ने पढ़ा है ना कि सारी सैटेलाइट क्या करेंगी, अर्थ के चारों मतलब प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगी और खुद भी अपने जगह पर ऐसे घूमती रहेंगी, है ना। तो वही है कि इसने अर्थ का जो पूरा का पूरा एक चक्कर लगाया और अपने ऊपर भी, अपनी एक्सिस बोलते हैं इसको, जब अपने 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 आप में घूमते हैं ना ये लोग, तब इनको एक्सिस बोलते हैं, इनकी खुद की एक्सिस। तो अर्थ का भी पूरा चक्कर 27 8 आवर्स में लगाता है और खुद की एक्सिस पर भी 27 hours और 8 आवर्स में घूम जाता है ये, ठीक है। और इसलिए ही क्या होता है, दस एट द वन टाइम ओनली वन साइड ऑफ मून इज़ विजिबल, और इसलिए ही हमें एक टाइम पर मून की एक ही साइड दिखाई देती है, क्योंकि जैसे उसने इसका चक्कर पूरा किया वो अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर भी अपना चक्कर पूरा कर रहा है, तो हमें सिर्फ उसकी एक ही साइड दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ये तो हमें पता ही है, और वो किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और इसके अंदर जो मून है, अपन उसको कितना भी सुंदर बोल लें, चांद सा चेहरा और मेरे बेटे का तो चांद जैसा चेहरा है, अरे भैया चांद पे तो बहुत सारे खड्डे हैं, बहुत सारे क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स मतलब बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वहाँ पे, है ना, और वहाँ पे सिर्फ कंकड़ पत्थर रॉक्स और गड्ढों के अलावा कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, देखे हैं ना, गए थे साइंटिस्ट देखने के लिए, कुछ भी नहीं मिला उनको वहाँ पे। तो इसीलिए सन को इतना सुंदर बुंदर नहीं है, सन के ऊपर सिर्फ रॉक्स और कंकड़ पत्थर और गड्ढे ही गड्ढे हैं, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ मैनी माउंटेन्स एंड प्लेन्स, ठीक है। द कंडीशन ऑफ मून आर नॉट सुटेबल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, सस्टेनेंस मतलब होता है जहाँ पर कि हम रह सके, मतलब लाइफ के लिए जो नरिशमेंट है, जो हमारे को लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो नहीं है मून के ऊपर। हमारी लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है जिससे हम सांस लेते हैं, वाटर ज़रूरी होता है, फूड ज़रूरी होता है, लाइट ज़रूरी होती है, सनलाइट ना कि ट्यूबलाइट, तो सनलाइट ज़रूरी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें मून पे नहीं है, तो ज़्यादा सुंदर कौन हुआ, धरती माता ना कि चंदा मामा, ठीक है। तो हम अपने बच्चों को ऐसे कहना चाहिए, अरे मेरी बेटी तो धरती माता जैसी सुंदर है, लेकिन हम कहते क्या, हमारे बेटे का तो चेहरा चांद जैसा सुंदर है, चांद क्या खाक सुंदर है, चांद में तो गड्ढे हैं बस, और तो कुछ है नहीं। तो अब कोई भी मत बोलना, कोई बात नहीं, बोल भी सकते हो। फेजेस ऑफ मून, अब आपने कभी देखा है ध्यान से चांद, कभी पतला सा दिखता है, कभी बड़ा पूरा गोल दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। तो ये पूरी जो साइकिल होती है मून की, अलग अलग जो प्रकार का वो मून हमें अलग अलग शेप दिखते हैं मून के, उनको हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून, PHASES, फेजेस ऑफ मून, ठीक है ना। तो ये फेजेस ऑफ मून क्यों दिखते हैं, मून इज विजिबल ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन। अब जो मून होता है वो तो सन की लाइट के कारण दिखता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखता है, उसकी खुद की तो लाइट है नहीं, बट सनलाइट ओनली रीचेज वन साइड ऑफ द मून एट ए टाइम। लेकिन क्योंकि वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, अब एक बात बताओ, ये सन है, ये अर्थ है, ये बेचारा मून है मान लो, तो सन की जो रोशनी है ना, वो जब मून इधर रहेगा तब तो उस पर पहुँचेगी, उसके इस वाले पार्ट पे पहुँचेगी। मान लीजिए मून यहाँ है, ठीक है ना, अब ये अर्थ है और मून इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मान लीजिए, तो जब मून इधर होगा तो सन की रेस सिर्फ इसके इस पार्ट पे पड़ेगी, तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई दे जाएगा, तो हमें कैसा दिखता है, एकदम पतला सा दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाकी पार्ट पे तो सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही है। जब मून इधर आ जाएगा तो बिल्कुल भी लगभग नहीं पड़ेगी, तो बिल्कुल छोटा सा और छोटा सा दिखाई देता होगा, बिल्कुल है ना, जो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है, दिखता है फर्स्ट डे तो ऐसा। अब जब मून इधर बिल्कुल पीछे चला जाएगा तब तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो हमें मून दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ आकर शुरू हो जाएगा मून, ये चक्कर लगा रहा है ना मून, तो मून जब आएगा यहाँ पे तो फिर हमें इतने पार्ट पे लाइट आएगी सूरज की, तो हमें फिर ये वाला पार्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा इसी तरीके से करते 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 जब मून यहाँ आ जाता है या फिर यहाँ आ जाता है, तो हमें पूरे का पूरा मून दिखने लग जाता है एक दिन, क्योंकि पूरे मून पर रोशनी पड़ती है। तो रीज़न ये होता है कि देखो, समझ में आ गई कि बात नहीं है ना मैडम, इतना बुरा डायग्राम बना के समझाओगी तो कैसे समझ में आएगा। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, आप सपोज करिए कि ये हमारा सन है, ये अर्थ है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, और ये मून है,
जो कि अर्थ के चक्कर लगा रहा है। तो अब एक बात बताओ कि ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गया हमारा सन, ठीक है। अब मान लीजिए ये इसकी ऑर्बिट है, ये इधर इसको चक्कर लगाना है चारों तरफ। तो जब ये यहाँ होगा तो सन की रोशनी इसके इस वाले पार्ट पर पड़ेगी तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा। जब मून इधर चला जाएगा तो थोड़ी सी रोशनी पड़ेगी तो हमें इतना सा मून दिखाई देगा। जब बिल्कुल पीछे चला जाएगा तो हमें मून दिखाई ही नहीं देगा। फिर यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा पार्ट दिखाई देगा, यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा और ज़्यादा पार्ट दिखाई देगा, और जब यहाँ बिल्कुल सामने आ जाता है तो क्या होता है, हमें पूरा चाँद दिखाई देता है। और ऐसा तो बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि उसमें तो सूर्य ग्रहण होता है। जब अपन अभी आया तो सोलर एक्लिप्स, तब होता क्या है, अर्थ और सन के बीच में मून ही तो आ जाता है, तो हमें सन कैसे दिखता है, यहाँ पर अंधेरा अंधेरा दिखता है, तो रिंग बनती है। बताऊंगी जब आपको सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स समझाऊंगी तब समझाऊंगी। अभी तो आप सिर्फ ये समझ लो कि भाई मून के ऊपर सन की रोशनी कैसे पड़ेगी, क्या पड़ेगी, तभी तो हमको दिखाई देगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हमें मून हमेशा अलग अलग शेप में दिखाई देता है। और एक और प्रॉब्लम है कि साथ में अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रही है चारों तरफ, तो अब बोर्ड पे मत समझो इतना, जब कभी क्लास में आओगे तब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कैसे होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से हमने देखा कि हमें अलग अलग मून के शेप दिखाई देते हैं, उनको हम मून की फेजेस कहते हैं। और वो इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जितने पार्ट पर सूरज की रेस पड़ेंगी, सन रेस पड़ेंगी, उतना ही पार्ट हमें दिखाई देगा, क्योंकि मून की खुद की लाइट तो है नहीं, वो तो बस उसकी सन की लाइट को जो रिफ्लेक्शन हमें को ही शो करता है। तो जितना सन की रोशनी जितने पार्ट पे पड़ती है मून पे, उतना पार्ट हमें दिखाई देता है और बाकी पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए हमें मून अलग अलग शेप में दिखाई देता है। अब नेक्स्ट होते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट, और एस्टेरॉइड वही छोटे छोटे प्लैनेट के टुकड़े, ऐसा माना जाता है कि ये प्लैनेट के टूटे हुए टुकड़े हैं जो उसके एरिया में घूम रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर नोन एज एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड आर द स्मॉल प्लैनेट लाइक सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है ना, जो कि इन्होंने बोला है कि बहुत डिसइंटीग्रेटेड हुए होंगे, जो प्लैनेट थे वो टूटे होंगे किसी कारण से, क्योंकि टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं प्लैनेट, तो स्पेस में तो यही चलता रहता है। तो वो टूटे हुए टुकड़े एस्टेरॉइड्स हैं। इन्होंने कहा है कि अभी तक लगभग 1 लाख के करीब एस्टेरॉइड्स में से 4,000 ही आइडेंटिफाई किए गए हैं। ऐसे देख, जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं तो उनको ऐसा अंदाजा है कि लगभग 1 लाख एस्टेरॉइड्स पड़े हुए हैं स्पेस में, लेकिन उन्हें अभी तक 4,000 मतलब 4,000 एस्टेरॉइड को ही आइडेंटिफाई कर पाया है, ठीक है। देयर टोटल मास इज़ अ फ्यू हंड्रेड मास ऑफ द मून। अब मून का जो मास है, मून का जो वेट है, उससे थोड़ा बहुत के करीब, मतलब उससे बहुत हल्के होते हैं एस्टेरॉइड्स, मतलब इनका कोई ज़्यादा मून की तुलना में बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है। अ फ्यू हंड्रेड ऑफ द मास ऑफ द मून, देयर टोटल मास इज फ्यू हंड्रेड हंड्रेड ऑफ द मास ऑफ द मून। तो मास ऑफ मून और मास ऑफ एस्टेरॉइड की तुलना अगर हम करते हैं तो फ्यू हंड्रेड्स का फ़र्क होता है। अब हम कहेंगे मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया भी था, आपने टूटे हुए तारे देखते होंगे आप, है ना। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आती है छोटी सी, वो है मीटियोरॉइड्स। एंड मीटियोर्स भी हम इसी में पढ़ेंगे। एंड मीटियोराइट्स, देखो अब स्मॉल रॉकी और मेटेलिक बॉडीज इन द स्पेस। भाई सब जगह रॉक ही रॉक है, अर्थ के अंदर भी रॉक, स्पेस में भी रॉक, भगवान को रॉक से बहुत प्यार है। तो स्मॉल रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडीज़ होती हैं, स्मॉल रॉकी बॉडीज मतलब छोटी छोटी रॉक्स होती हैं जो कि मेटल जैसी होती है। मेटल क्या होते हैं वो आप बाद में पढ़ना आगे चल के, तो बस अभी ये समझ लो कि रॉक जैसे जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं स्पेस के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, मीटियोरॉइड्स कहते हैं। स्पेलिंग से ध्यान रखना, ठीक है, मीटियोरॉइड्स कहते हैं उनको, ठीक। व्हेन दीज स्मॉल चंक्स एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, तो क्या होता है, अब आपने टूटा हुआ जो तारा देखा है वो एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो
इसको ऐसे देखो, मीटियोरॉइड जो होते हैं वही दो तरीके की मैं बात करूँगी। तो जो ये होते हैं वो क्या है एक्चुअली, कोई तारे वारे नहीं है, ये सब रॉक्स हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे रॉक्स के पीसेज हैं जो स्पेस में ऐसे घूमते रहते हैं। अब कभी कभार किसी घूमते 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 ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर आयनोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, बहुत सारे तरीके के अलग अलग लेयर्स हैं अर्थ के सरफेस एटमॉस्फेयर में। तो ये जब टूटे हुए रॉक्स के टुकड़े, स्पेसियस रॉक्स कह सकते हैं हम इनको, स्पेस में घूमने वाली जो रॉक्स हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े कभी अर्थ सरफेस के, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, सॉरी सरफेस नहीं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं कभी, तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल है, तो इन रॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है तो आपस में ये फ्रिक्शन कर देते हैं, रगड़ने लग जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि बहुत सारी हवाएं जब चलती हैं तो आपके फेस पे एकदम चोट लगती है ना, ठीक है। अब आपकी स्किन तो ऐसी नहीं कि निकल जाएगी, झड़ जाएगी या बाल उड़ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत तेज़ हवा डालो, बहुत तेज़ पानी डालो, तो उसमें से चीज़ें टूटने लगती हैं, है ना। इसी तरीके से क्या होता है कि इसको हम फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से जब ये मीटियोरॉइड्स होते हैं, जो रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, तो उनके बीच में रगड़ होने लगती है, फ्रिक्शन होने लग जाता है, और क्या होता है ना, थोड़ी सी हमको लाइट जैसी दिखाई देती है, बर्न अप हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। देखो कैसे यही लिखा है इसमें। अब वो जब जल जाते हैं तो क्या होता है, जलने के बाद वो गैस बन जाते हैं, तो आपको जब वो जल रहे होते हैं तो दूर बहुत होते हैं, इसलिए आपको वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत तारा गिरा, पर वो बेचारा तारा नहीं होता है, वो कोई जलती हुई रॉक होती है एक्चुअली, जलती हुई रॉक का टुकड़ा होता है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, इतनी सी रॉक होती है जल के बुझ जाती है, थोड़ी देर बाद गैस बनी, बर्न अप होने के बाद कोई चीज़ क्या होगी, गैस बन जाएगी, ख़त्म धुआं, तो वो दिखना बंद हो जाता है। तो ही आपको ऐसा लगता है कि वाह अभी एक तारा टूटा था और अभी वो चला गया, गायब हो गया। तो वो कोई तारा वारा नहीं होता है, वो मीटियोरॉइड्स होते हैं, जो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो स्पेस में घूमते होते हैं, और जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण जो गैसेस हैं और जो डस्ट पार्टिकल है उनके फ्रिक्शन के कारण वो जल जाते हैं, उनमें आग लग जाती है, बर्न अप हो जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए चमकते जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पूरे जल जाते हैं तो धुआं बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इनको हम कहते हैं मीटियोर्स। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उनकी पूरी बर्निंग नहीं हो पाती, वो थोड़े बड़े होते हैं और पूरी बर्निंग नहीं हो पाती है, तो वो धरती पे आके गिर जाते हैं, और उनको हम कहते हैं मीटियोराइट्स। जब वो थोड़े बड़े होते हैं और पूरी तरह से बर्न अप होके वो गैस नहीं बन पाते, वो धुआं नहीं बन पाते, तो वो धरती पे आके गिरते हैं, उनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं। ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, बट फिर भी मान लीजिए कि कभी किसी के घर पे गिर गए तो खिड़की टूट सकती है, खिड़की का कांच टूट सकता है। जैसे मान लो बहुत बड़ा सा कोई जलता हुआ पत्थर गिरेगा तो कितना नुकसान होगा, ठीक है। किसी की गाड़ी पे गिर जाए अगर, तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी, टूट सकती है। इस तरीके से मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस जलते हुए अगर आपके घर में आके गिरेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही सोच लो, ठीक है। तो ये होते हैं मीटियोरॉइड्स, और हम इनको बोलते हैं दो अलग अलग, छोटे वाले जो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ही जल जला के ख़त्म हो जाते हैं वो मीटियोर्स, और जो पूरी तरह से नहीं जलते हैं धरती पर पहुंचते हैं वो होते हैं मीटियोराइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमेट्स। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर ही दूंगी कैसे भी करके, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा है, पढ़ ही लेते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट इसमें बताया है कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स मैंने आपको बताया था लॉन्ग टेल्ड स्टार्स होते हैं, जिनको कि पुच्छल तारा भी कहा जाता है। दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज, इनको हम धूम केतु कहते हैं एक्चुअली, जो वर्ड होता है ना इसका, धूम केतु, ये हिंदी वर्ड है इसका। तो दीज आर द सेलेस्टियल बॉडीज, पेज नंबर 192, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। दे आर अबाउट 200 crores ऑफ कॉमेट्स, 200 crore कॉमेट्स प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, जिसमें सन और 8 planets हैं, बाकी भगवान जाने कितने होंगे। ईच कॉमेट हैज़ इट्स ओन ऑर्बिट, अब इसकी भी अपनी ऑर्बिट होती है, जैसे बाकी सब प्लैनेट अपनी अपनी ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं सन के चारों तरफ, ऐसे इनकी भी अपनी ऑर्बिट होती है। कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ आइस, गैसेज एंड डस्ट, थैंक गॉड इनमें रॉक्स नहीं होती,
अदरवाइज हर जगह रॉक्स ही रॉक्स हैं। तो अभी भगवान को लगाओ कि रॉक्स बहुत होगी, थोड़ी आइस बनाए जाते हैं। तो आइस होती है, इसके अंदर गैसेज होती हैं और डस्ट होती है। व्हेन दे कम क्लोजर टू सन दे स्टार्ट ग्लोइंग ड्यू टू द एवोपरेशन ऑफ फ्रोजन सरफेस। अब ये जो होते हैं ये चारों तरफ सन के चक्कर लगाते हैं, इनके अंदर होती है आइस, सन के अंदर होती है हीट। तो जब आइस हीट के पास आएगी तो पिघलेगी, ठीक है, और जब वो पिघलती है तो वो चमकने लग जाती है, ठीक। तो वो जो इनकी जो चमक होती है, ये जो चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो सिर्फ इसलिए ही दिखाई देते हैं कि क्योंकि इनकी आइस जो है वो पिघल रही होती है, किससे, सन की गर्मी से, ठीक है। तो इनका जो एवोपरेशन होता है, ग्लोइंग ड्यू टू द एवोपरेशन ऑफ फ्रोजन सरफेस एंड डेवलप अ लॉन्ग टेल। तो ये जो एवोपरेशन होता है तो, और ये घूम रहे होते हैं तो ये इनकी जो लॉन्ग टेल जैसी बन जाती है, क्या कहते हैं, मान लीजिए ये सन है और इसके चारों तरफ कोई कॉमेट है, तो ये ऐसे घूम रहा है जब, तो इसमें आइस जो है इसकी वो एवोपरेट होना शुरू हो गई, क्योंकि इतनी गर्मी है कि सीधी भाप बनेगी वो, तो जब भाप बनती है तो ये चमकने लग जाता है बस, ठीक है। और इसी कारण से ये लॉन्ग टेल जैसे दिखाई देते हैं। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ एट हैलीज कॉमेट सीन इन 1986 में कॉमेट दिखाई दिया था, और अब 75 या 76 ईयर्स में दिखाई देता है, ऐसा मतलब प्रिटेंड करते हैं साइंटिस्ट, ऐसा लगता है साइंटिस्ट सोचते हैं ऐसा, उन्होंने जितनी स्टडीज़ की है उसके बाद कि हर 75-76 ईयर्स में दिखाई देता है। तो हो सकता है कि जब आप बुढ़े बुढ़े हो जाओ तब आप शायद देख पाओ किसी कॉमेट को, है ना, मैं तो तब तक मरमुर जाऊंगी भाई। कॉन्स्टिलेशन, द लास्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं, ये अच्छा है, मज़ेदार। आपने कभी सितारों को ध्यान से देखा है, आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं सितारों के, ठीक है, और ये पैटर्न्स कॉन्स्टिलेशंस होते हैं। पहले के ज़माने के जो लोग थे जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, तो वो ये सब बातों को बहुत अच्छे से जानते थे। पहले की जो साइंस थी एस्ट्रोनॉमी वो काफ़ी डेवलप थी, अभी भी है बट उतनी पता नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो, बट पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे बहुत पुराने ज़माने के, जिनको हम महर्षि वगैरह कहते थे, वो ओम करते रहते, वो एक्चुअली साइंटिस्ट हुआ करते थे उस ज़माने में। तो तब लेकिन संस्कृत चलती थी, वो लोग कपड़े वैसे दूसरे तरह से पहनते थे क्योंकि वो बहुत सारी साइंस जानते थे, आजकल के ज़माने से भी ज़्यादा साइंस जानते थे तब के जो साइंटिस्ट होते, जिनको महर्षि कहा जाता था, ऋषि मुनि जैसे जो दिखाते हैं ना टीवी में, वो कोई पागल नहीं होते थे कि बस ऐसे कपड़े उतार के बैठ गए ओम ओम कर रहे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे, कभी उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, है ना। तो कॉन्स्टिलेशन उस वक्त क्या होता था ना, वो सितारों को देख देख कर ही बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते थे, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं और उनका और हमारा कनेक्शन होता है, क्यों, क्योंकि हम सभी यूनिवर्स में हैं, तो अर्थ कोई यूनिवर्स से अलग तो है नहीं, अर्थ भी स्पेस में है, तो कोई सितारा कैसा है, कोई स्टार कैसा है, सन क्या कर रहा है, हर चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको पता है अगर आप कोई एक छोटी सी पत्ती भी तोड़ते हो तो भी पूरे यूनिवर्स में फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा रिलेटेड है यूनिवर्स पूरा, ठीक है। तो जो पहले के लोग होते थे वो बहुत जानकारी रखते थे और जानते थे कि कौन सा स्टार हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो बहुत सारी साइंस थी, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, तो ये जो ग्रुप, ये बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट से ग्रुप हुआ करते थे स्टार्स के, उनको वो कॉन्स्टिलेशन कहते थे, और उससे वो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट किया करते थे अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, और वो कैलकुलेशन सही भी होती थी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एनिमल जैसे फिगर भी दिखाई देते थे, जैसे इसमें आपकी बुक में दिखाया है द ग्रेट बियर। अब आप इसमें देखोगे तो इसमें बहुत सारे जो स्टार्स हैं उनको मिलाकर बनाया गया और वो बियर की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इसमें उर्सा मेजर या ग्रेट बियर जो होता है वो दिखाया गया है। बिग डिपर यानी कि सप्तऋषि मंडल एज इट इज़ इन हिंदी इज़ अ पार्ट ऑफ इट। ग्रेट बियर में आपको एक और दिखाई देगा, जैसे बाउल जैसा, मतलब वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो आपने देखा ही होगा, ऐसे 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 और ये ऐसे, ये आप ऐसा ना चम्मच जैसी दिखाई देती है, ठीक है। जैसे अपना वो होता है ना चाय बनाने का जो बर्तन होता है उसमें ऐसा हैंडल जैसा होता है ना, ये इस तरीके के ये 7 जो होते हैं, 7 स्टार्स, ये एक तो बिग
जो ग्रेट बियर तो दिखाया ही आपकी पेज नंबर 192 पे आप देखोगे, तो ये उर्सा मेजर कहलाता है। और उर्सा मेजर के अंदर ही एक सप्तऋषि मंडल या बिग डिपर, इसको हम हिंदी में सप्तऋषि मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें 7 स्टार्स हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको सप्तऋषि कहते हैं और इंग्लिश में इसको बिग डिपर कहते हैं, ठीक। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिलेशन से अलग अलग कैलकुलेशन किया करते थे पहले के साइंटिस्ट, लेकिन जैसे कि किसी की शादी कब होनी है, किसी का जन्म कब होना है, जन्म के बाद फिर वो क्या बनेगा, कैसे होगा, इस बार खेती कैसी होगी, बारिश कैसी आएगी, ये सारे कैलकुलेशन पहले लोग सितारों को देख के ही करते थे, ठीक है। अब जो ग्रेट बियर है उसमें ये 7 स्टार्स का एक कलेक्शन है, ग्रुप है, जिसको हम बिग डिपर कहते हैं। इसका यूज़ हम नॉर्थ स्टार को, जिसको कि हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता था, क्योंकि पहले के लोग डायरेक्शन भी स्टार्स से करते थे पता, क्योंकि नॉर्थ जो पोल, ये जो ध्रुव तारा होता है पोल स्टार, जो इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, बाकी स्टार्स की तो पोजीशन चेंज होती रहती है पर इसकी स्टार की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो इससे हमने पोल स्टार का पता लगाने से हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाता था, और नॉर्थ डायरेक्शन के बाद वो बाकी सारे डायरेक्शन पता कर लेते थे, क्योंकि नॉर्थ के जो लेफ्ट मतलब सीधे हाथ पे होगी वो ईस्ट होगी, लेफ्ट साइड पे होगी वो वेस्ट होगी, उसके अगेंस्ट जो होगी वो साउथ होगी, तो वो अपनी बाकी सारी दिशाएँ कर लेते थे। बस उनको क्या करना होता था कि पोल स्टार की मदद से नॉर्थ डायरेक्शन का पता करना होता था, क्यों, क्योंकि पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। अब पोल स्टार का पता करने के लिए वो इसको देखते थे, बिग डिपर को, और इसकी जो ये जो आगे के जो 2 स्टार्स होते थे ना, इसके सीध में देखते थे वो, और यहां पर उनको पोल स्टार दिखाई दे जाता था। तो इस तरीके से ये लोग बिग डिपर का यूज करते थे पोल स्टार को पता करने में, और उससे वो करते थे डायरेक्शन का पता करने में। इसी तरीके से बहुत सारे जो अलग अलग कलेक्शन हैं स्टार्स के, अलग अलग कॉन्स्टिलेशन थे स्टार के, उनसे वो अलग अलग तरीके की चीज़ों को कैलकुलेट किया करते थे। ओके, सो दिस वॉज योर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, द अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। अब ये चैप्टर होता है ख़त्म, एंड यू विल गेट द PDF टुडे और टुमारो, तो इसको वापस से एक बार रीड करो पूरे चैप्टर को, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, वी विल मीट टुमारो, हैव अ वेरी ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।